गौतम गंभीर फाउंडेशन को अनाधिकृत रूप से फैब फ्लू दवा का भंडारण, खरीद और वितरण करने का दोषी पाया गया है। इस पूरे मामले की जांच दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने किया है। इसके बाद ड्रग कंट्रोलर ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी पूरी रिपोर्ट दाखिल कर दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ड्रग डीलरों के साथ साथ ऐसे अन्य मामलों में भी बिना देरी किए कार्रवाई की जाएगी जो उसके संज्ञान में लाए जाएंगे। ड्रग कंट्रोलर ने हाईकोर्ट को बताया कि आप विधायक प्रवीण कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत इसी तरह के अपराधों के लिए दोषी पाया गया है। कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने उसे इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। आपको बता दें, हाईकोर्ट दीपक कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका यानी PIL पर सुनवाई कर रही थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।